गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ दिया? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता पिनल कोड आपने क्यों नहीं बदली? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने सैकड़ों कानून क्यों चलते रहे? आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर, ये लाल बत्ती कल्चर इतने दशकों बाद भी क्यों चलता है? और आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समय के अनुकूल शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी थी आपने? कौन अंग्रेजों से इंस्पायर था? आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो हमारी सेनाओं के चिन्हों पर आज भी गुलामी के प्रतीक अब तक क्यों बने हुए थे? हम एक के बाद एक हटा रहे हैं। अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा? आदरणीय समाजपति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंडमान और निकोबार इन द्वीप समूहों पर आज भी अंग्रेज सत्ता के निशान क्यों लटके पड़े थे? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो ये देश के सेना के जवान देश के लिए मन मिटते रहे, लेकिन देश के जवानों के सम्मान में एक वॉर मेमोरियल तक बना नहीं पाए थे, क्यों नहीं बनाया? अगर आप अंग्रेजों से इंस्पायर्ड नहीं थे, प्रभावित नहीं थे तो भारतीय भाषाओं को हीन भावना से क्यों देखा? स्थानीय भाषा में पढ़ाई के प्रति आप लोगों की बेरुखी क्यों थी? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने में आपको कौन रोकता था? आपको क्यों महसूस नहीं हुआ कि दुनिया में, आदरणीय सभापति जी, मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि आप किस प्रभाव में काम करते थे और देश को सुनते, ये सारी बातें याद आने वाली है। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाया और इस नैरेटिव का परिणाम क्या हुआ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों मानने वाले लोगों बड़े हीन भाव से देखा जाने लगा, धकियानों से मानने लगा गया, और इस प्रकार से एक हमारे अतीत के प्रति अन्याय करने की नौबत आई। अपनी मान्यताओं को गाली देते हैं, अपनी अच्छी परंपराओं को गाली देते हैं तो आप प्रोग्रेसिव हैं? इस प्रकार के नैरेटिव गढ़े जाने लगे देश में, और उसका नेतृत्व तो कहां होता था ये दुनिया भली भांति जानती है। दूसरे देश से आयात करना, उसको गर्व का भारत की कोई चीज है तो दूसरे दर्जे की है, ये स्टेटस बना दिया गया था, ये स्टेटस सिंबल बाहर से आया, मेड इन फॉरेन स्टेटस बना दिया था। ये लोग आज भी वोकल फॉर लो बोलने से बच रहे हैं, मेरे देश के गरीबों के कल्याण का काम हो रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत की बात उनके मुंह से नहीं निकलती है, आज मेक इन इंडिया कोई बोलता है तो उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। आदरणीय सभापति जी, देश ये सब देख चुका है और अब समझ भी चुका है और उसी का परिणाम आप भुगत भी रहे हैं। आदरणीय सभापति, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विस्तार से सब चार सबसे बड़ी जातियों के विषय में हम सबको संबोधित किया था, युवा, नारी, गरीब और हमारे अन्नदाता। हम जानते हैं इनकी समस्याएं ज्यादातर एक स्वभाव है,
उनके सपने भी एक समान है और उसके समाधान अगर नहीं है तो थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन इन चारों वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक ही हैं। और इसलिए उन्होंने बहुत ही उपयुक्त रूप से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है कि इन चार स्तंभों को मजबूत करिए, देश विकसित भारत की तरफ से आगे बढ़ेगा। आदरणीय सभापति जी, अगर हम 21वीं सदी में हैं, हम विकसित भारत के सपनों को इसी सदी में 2047 तक स्वीकार करना सिद्ध करना चाहते हैं, तो 20वीं सदी की सोच नहीं चल सकती। सर, 20वीं सदी का स्वार्थी एजेंडा, मैं और मेरा वाला जो खेल है ना, वो 21वीं सदी में को समृद्ध नहीं, विकसित भारत नहीं बना सकता है। कांग्रेस इन दिनों काफी बातें हो रही है जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरीबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं अगर बाबा साहब न होते ना, तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है। आदरणीय सभापति जी, और मैं ये कह रहा हूं इसके पीछे मेरे पास प्रमाण है, इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है, मेरे पास प्रमाण। और मैं प्रमाण के सिवाय मैं यहां कहने के लिए नहीं आया। और जब बातें वहां से उठी हैं तो फिर तैयारी रखनी चाहिए उनको, मेरा परिचय तो हो चुका है, 10 साल हो गए। एक बार, और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा था। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी, मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है, मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है, और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी एसटी ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा, और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां हैं इतने यहां हैं, उसका मूल यहां, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप
और आदरणीय सभापति जी, लीडर ऑफ अपोजिशन वॉज हर्ड इन रैप्ट अटेंशन, आर यू सेटिंग दिस एग्जाम्पल? लीडर ऑफ अपोजिशन, आदरणीय सभापति जी, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। आप तो जानते हैं नेहरू जी ने जो कहा।